क्या चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे एक लेटेस्ट TWS ईयरबड्स की जो आती है नॉइज कंपनी की ओर से और इनका मॉडल नेम है नॉइज बड्स VS104। और इस वीडियो में बात करेंगे इसके सभी फीचर्स के बारे में और इसमें इनिशियली क्या प्रोज एंड कॉन्स दिए गए हैं इस पर भी बात करेंगे। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसका लॉन्चिंग प्राइस है ₹999, जिसे कंपनी ने काफी एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च किया है। और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे क्या ये TWS आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको अदर TWS भी मिल जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे कि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, बिल्कुल फ्री है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। बॉक्स के फ्रंट साइड में नॉइज की ब्रांडिंग और इसका मॉडल नेम बड्स VS104 मेंशन किया गया है। बात करें बैक साइड की तो बैक साइड में कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। 13mm के स्पीकर ड्राइवर का यूज़ देखने को मिल जाएगा। हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाएगा और इंस्टेंट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और बॉटम साइड में इसकी MRP मेंशन की गई है ₹3499, लेकिन इसका लॉन्चिंग प्राइस था ₹999, जिसे आप Amazon पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ टाइम बाद इसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाए। अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज साथ में दी गई है। और बॉक्स को ओपन करने के बाद ये सभी एक्सेसरीज देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले एक यूजर मैनुअल दी गई है, जिसे रीड आउट करके आप इन ईयरबड्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ में कुछ नॉइज के स्टिकर मिल जाएंगे और एक 1 ईयर का वारंटी कार्ड दिया गया है और भी कुछ कार्ड डिटेल्स मिल जाएंगी। और साथ ही बॉक्स में एक टाइप सी केबल दी गई है इस केस को चार्ज करने के लिए। और साथ में कुछ सिलिकॉन ईयर टिप्स भी मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट साइज के दिए गए हैं और इनमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप इन्हें अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और फाइनली अब बात कर लेते हैं चार्जिंग केस की। सबसे पहले इस प्लास्टिक रैपर को रिमूव कर लेते हैं। इस चार्जिंग केस के फ्रंट साइड में नॉइज की ब्रांडिंग मेंशन की गई है। 4 LED नोटिफिकेशन लाइट दी गई जो इसकी चार्जिंग कैपेसिटी को शो करती है। बॉटम साइड में टाइप सी पोर्ट दिया गया चार्जिंग के लिए और इसमें मैट फिनिशिंग का यूज़ देखने को मिल जाएगा और पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज़ किया गया है। और ये चार्जिंग केस काफ़ी स्लिम ट्रिम एंड कॉम्पैक्ट साइज का दिया गया है, जिससे कि आप इसे इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। और साथ ही इस चार्जिंग केस की लीड की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक लॉक का फीचर्स दिया गया है, जिससे कि काफ़ी टाइटली क्लोज हो जाता है। और इसके ईयरबड्स में भी मैग्नेटिक लॉक का फीचर्स दिया गया है, जिससे कि ये चार्जिंग केस से इजीली रिमूव नहीं होते हैं और इनको एक सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन का यूज़ किया गया है। और अगर इसकी प्राइस रेंज को भी देखा जाए तो यहाँ ये बिल्कुल भी चीप फील नहीं होते हैं और इस प्राइस रेंज में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और बात करें ईयरबड्स की, इनमें इन ईयर डिजाइन का यूज किया गया है। इनके टॉप साइड में टच सेंसर का यूज देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। बॉटम साइड में नॉइज की ब्रांडिंग मेंशन की गई है और बॉटम साइड में ही LED नोटिफिकेशन लाइट दी गई है, जो इनकी कनेक्टिविटी को शो करती है। और साथ ही कंफर्ट एंड फिटिंग की बात करें तो इन ईयरबड्स में सिलिकॉन टिप्स का यूज भी किया गया है। इन्हें आप अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ कोई पॉप आउट का इशू भी देखने को नहीं मिलता है और आप इन्हें लॉन्ग टाइम तक भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कोई भी पेन से रिलेटेड इशू भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपकी ईयर में अच्छी फिटिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इनमें IPX5 की रेटिंग दी गई है। ये स्वीट एंड स्प्लैश प्रूफ दिए गए हैं। आप इन्हें जिम में वर्कआउट्स के दौरान या फिर आउटडोर रनिंग वॉकिंग में भी यूज कर सकते हैं, इनमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और कनेक्टिविटी की बात करें तो इनमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट दिया गया है और साथ ही हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी का यूज़ भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही चार्जिंग केस की लीड को ओपन करते हैं, ये ईयरबड्स आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। इनको चार्जिंग केस से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ कनेक्टिविटी का एक बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो का सपोर्ट भी दिया गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट दिया गया है, जिसे आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में जाकर इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ ओवरऑल आपको कनेक्टिविटी के सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ कनेक्टिविटी का भी कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। ये आपकी डिवाइस से इजीली कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की। इसमें 13mm के स्पीकर ड्राइवर का यूज किया गया है। बात करें वोकल्स की, वोकल्स क्लियर हैं और ट्रेबल्स थोड़े से हाई लेवल के दिए गए हैं। यहाँ ट्रेबल्स को मेंटेन रखना चाहिए था। बात करें बेस की तो इसमें आपको डीप बेस सुनने को मिल जाएगा, जो कि मीडियम लेवल का ही दिया गया है। इसमें आपको हैवी लेवल का बेस सुनने को नहीं मिलता, यानी कि इसमें बूम बूम या फिर बूमी टाइप का बेस नहीं दिया गया है। और साथ ही बात करें लाउडनेस की तो इसमें आपको हैवी लाउडनेस भी सुनने को मिल जाएगी। आप 100% वॉल्यूम तक प्रीफर नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन
फील होगी और आपको इरिटेशन भी फील हो सकती है, यानी कि आप 70-80% वॉल्यूम पर ही प्रीफर कर सकते हैं। और यहाँ इन ईयरबड्स में लीकेज का इशू भी देखने को मिलता है क्योंकि इसमें लाउडनेस बहुत ज्यादा दी गई है। अगर आपके साइड में कोई भी पर्सन है तो उसको साउंड बीट भी एग्जैक्टली सुनाई देगी, तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा फील होता है। और यहाँ इन ईयरबड्स की ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करें, अगर आप लाउड में म्यूजिक सुनना प्रीफर करते हैं, आपको लाउडनेस से कोई भी इशू नहीं है और डीप बेस भी प्रीफर करते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और इन ईयरबड्स के कंट्रोल फंक्शन की बात करें तो इनमें टच सेंसर का यूज किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिव देखने को मिल जाएगा। यहाँ ये बिल्कुल भी स्लो फील नहीं होते हैं। और आइदर ईयरबड्स पर डबल टैप करने से आप कॉल को आंसर और एंड कर सकते हैं, और डबल टैप करने से आप म्यूजिक को प्ले एंड पॉज भी कर सकते हैं। और राइट ईयरबड्स पर 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करने से आप ट्रैक को नेक्स्ट, और लेफ्ट ईयरबड्स पर 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करने से आप ट्रैक को प्रीवियस कर सकते हैं। और साथ ही किसी भी ईयरबड्स पर ट्रिपल टैप करने से आप वॉइस असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और इनमें वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है। राइट ईयरबड्स पर सिंगल टैप करने से वॉल्यूम को इंक्रीज, और लेफ्ट ईयरबड्स पर सिंगल टैप करने से वॉल्यूम को डिक्रीज भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी की। इन ईयरबड्स में नॉइज कैंसिलेशन के लिए किसी भी चिपसेट का यूज नहीं किया गया है, लेकिन आपको इसी प्राइस रेंज के अदर ईयरबड्स में ENC का सपोर्ट तो मिल ही जाता है, तो यहाँ कम से कम ENC का सपोर्ट मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से इसकी ऑडियो क्वालिटी को भी चेकआउट कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इसकी ऑडियो कैसी सुनने को मिलती है। और अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है नॉइज बड्स VS104 के ईयरबड्स से, और इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है आप खुद से भी जज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। और अब बात कर लेते हैं गेमिंग मोड की। इन ईयरबड्स में कोई भी गेमिंग का फीचर्स नहीं दिया गया है, और न ही लो लेटेंसी को मेंशन किया है कि इसमें कितनी लेटेंसी देखने को मिलती है। अगर आप इन ईयरबड्स का यूज़ करके गेमिंग प्ले करेंगे तो वहाँ आपको लेटेंसी फील होगी, लेकिन फिर भी अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आप जरूर से इन ईयरबड्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल यूज या फिर गेम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो आप इन ईयरबड्स को इग्नोर कर सकते हैं और किसी और ईयरबड्स के लिए जा सकते हैं। और यहाँ इन ईयरबड्स का एक बार गेमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इनमें कितनी लेटेंसी फील होती है। और बात करें बैटरी लाइफ की, इसमें 30 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम दिया गया है, और इसको फुल चार्ज करने में अप्रोक्स 90 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। और इसके पर ईयरबड्स में 6 आवर का प्लेबैक टाइम दिया गया है, जिसको फुल चार्ज करने में 30 मिनट्स का टाइम लग जाता है। साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, यानी 10 मिनट चार्ज करने पर 150 मिनट का प्लेबैक टाइम दिया गया है। तो इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे कि आप अपने हेक्टिक शेड्यूल में भी इन्हें फटाफट चार्ज करके यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्लेबैक टाइम में भी कंडीशन दी गई है, ये आपको 70% वॉल्यूम पर ही डिपेंड करती है। अगर आप हायर वॉल्यूम पर प्रीफर करेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी कम ही देखने को मिलेगा, यानी सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो बैटरी लाइफ आपके यूजेस पर डिपेंड करती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, क्या ये TWS आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो केस काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड स्लिम ट्रिम दिया गया है, कैरी करने में कोई भी इशू फील नहीं होगा। ईयरबड्स भी कंफर्ट एंड फिटिंग के मामले में बहुत अच्छे दिए गए हैं, लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के सभी फीचर्स मिल जाएंगे, डिसेंट बैटरी बैकअप दिया गया है। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको हाई लाउडनेस भी सुनने को मिल जाएगी। अगर आप लाउड में म्यूजिक सुनना प्रीफर करते हैं तो आप जरूर से इन्हें परचेज कर सकते हैं, और इसमें आपको डीप बेस भी सुनने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आपको लीकेज का इश्यू भी फील होता है, और डिसेंट ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलती है। साथ ही साथ वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपको इन सभी फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर से इन्हें परचेज कर सकते हैं। बात करें इसके कॉन्स की, तो इसमें आपको नॉइज कैंसिलेशन के लिए कोई भी चिपसेट का यूज नहीं किया गया है, जिससे कि अगर आप इन्हें आउटडोर में यूज करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में नॉइज फील हो सकती है। गेमिंग का कोई भी फीचर्स नहीं दिया गया है। अगर आप गेमिंग के लिए इन ईयरबड्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं और किसी और TWS के लिए जा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।